नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटि दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने विचार सबके सामने रखे और बताया कि उत्तराखंड राज्य में कैसे किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए इस मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिल्स को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिक एंटरवान ने, सुनिए। पुष्कर सिंह धामी जी उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से मोटा अनाज को लेकर प्रमोट करेगा। सर, लगातार राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, किस रूप में देखेंगे? नहीं, ये वर्ष जो है हमारे लिए, सब लोगों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है, निश्चित रूप से हम राज्य के अंदर भी इसको मिलेट मिशन के रूप में आगे बढ़ाएंगे और किसानों को जो मिलेट का उत्पादन करने वाले हैं, यहाँ की स्थानीय जो फसलें हैं, उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। उस दिशा में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। क्या सर, जो छोटा किसान है उसके लिए भी कुछ रखा गया है? हाँ, निश्चित रूप से छोटे किसानों को उनके उत्पाद में जहाँ प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं उनको अच्छा बाजार मिलेगा, जिससे कि वो प्रोत्साहित होकर इसकी खेती को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य के छोटे किसानों से लेकर बड़े जो किसान तक सभी को मिलेट्स के क्षेत्र में लाभ मिल सके, उसके लिए राज्य सरकार की योजनाएं बन रही है ताकि उनको लाभ मिल सके। कैमरामैन हसनुल्लाह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, मसूरी। उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इन सबके बीच कृषि मंत्री ने मोटे अनाज को प्रचारित करने के लिए मसूरी में मिल्स को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें मिल्स को लेकर मंथन किया गया। मिल्स को लेकर कृषि मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिक एंटरवान ने, सुनिए। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, से बातचीत करेंगे। सर, 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आप लोग आयोजन यहाँ पर करते हैं, किस प्रकार से मोटे अनाज को प्रोत्साहित करेंगे ताकि किसान भी लाभान्वित हो और लोगों की थाली में भी अनाज पहुँच सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ। उन्हीं के प्रयासों से 2023 को इंटरनेशनल डिजिटल घोषित किया गया है। ये यूनो के अंदर उन्होंने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने उसका समर्थन किया और अभी 18 मार्च को उसकी शुरुआत मोदी जी ने दिल्ली में की थी। 140 देश के प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे, मुझे भी कृषि मंत्री होने के नाते वहाँ जाने का मौका मिला। और आज हमारी सरकार ने भी अपनी मिलेट्स की अलग पॉलिसी बना, मिलेट्स के लिए मिलेट्स मिशन बनाया, जिसके लिए 73 करोड़ की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में किए, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारी सरकार का संकल्प है कि जो 2025 हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के उत्पाद को हम दुगुना करेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35-78 पैसे घोषित किया गया है। हम सीधा किसानों से उनके घर में जाकर मंडवा खरीदेंगे। हमारे 6 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही है। हमने कहा कि वो किसानों से उनसे MSP खरीदेंगी, उनको 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव हम देंगे। उसके 2 फायदे होंगे, जहाँ किसान को उसके उपज का सही दाम मिलेगा, वहीं जो लखपति दीदी बनाने का हमारा संकल्प है, हमने कहा कि 1.25 लाख बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे 25 तक, तो 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव उनको मिलेगा, उस दिशा में कदम होगा। लगातार इसके प्रचार प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी 2 भोज हमने एक सीएम हाउस में, एक भराड़ी सेंड में किया था और 2 बिलेट्स के मेले हम एक देहरादून, एक हल्द्वानी में लगाने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मिलेट्स को उगाएं, मिलेट्स को कंज्यूम करें। इसकी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। गांव का जो छोटा किसान है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहता है, उसका जो अनाज है वो पहुंच सके, उसके लिए क्या कुछ नहीं? देखिए, हमने कहा ना कि हमने हमारी जो समूह की बहनें हैं, हमारे 60,000 समूह चल रहे हैं, 6 लाख से अधिक बहनें गाँव तक हैं, वो गाँव में जाकर छोटे किसान से वहीं पर उसका मंडवा खरीदने, किसी पे 4 है 5 है 10 है, उसका हम 1.5 रुपये किलो उनको इंसेंटिव देंगे और घर घर गांव तक हम पहुंचेंगे, ये हमारा संकल्प है। ये थे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार की योजना भी है, गांव घर तक से इस मोटे अनाज को लाने का काम किया जाएगा, महिला सहायता समूह उनके माध्यम से इस मोटे अनाज को खरीदा जाएगा, सरकार इसके लिए पूरा काम कर रही है। कैमरामैन सुनील साथ, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सालाकोई में आयोजित बीजेपी जिला ग्रामीण बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने सभी से पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार की तरफ से संचालित कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर टीएचडीसी के सीएमडी आरके विश्नोई ने जोशीमठ राहत कार्यों के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक सौंपा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के कपाट 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि खुलने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। धामी सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने का विरोध किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। चार धाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएं, जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहां से यहां की आबो हवा पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं, यहाँ पर सभी लोग यात्री। देखिए, इससे केवल हमारे कारोबारियों का नहीं, हमारे प्रदेश का प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से होता है। देश विदेश के लोग इस यात्रा में आते हैं और आस्था में आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। एक गरीब आदमी जब भी लाइन लगती है, क्यों लगती है, गरीब आदमी ही सबसे पीछे होता है, गरीब आदमी के हक मारे जाते हैं। जब लिस्ट बनती है इस तरीके से, प्राथमिकता गरीब आदमी को नहीं मिलती और वो जो गरीब आदमी जो ईश्वर का असली भक्त है उसको कैसे मौका मिलेगा ऐसे में। और सरकार को इस बात का ध्यान देना, व्यवस्थाएँ करनी चाहिए, चाहे कितने भी पिलग्रिम्स आएँ उन सब की व्यवस्था ठीक से सरकार को करना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए, मैं क्योंकि यहाँ पे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी पूरा गांव यहाँ पे रोजगार से आश्रित हैं, तो हम आज से नहीं, इसको 2 महीने पहले से ही हमारे चारों धामों में जो एक संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग जो हैं सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हैं एक सीमित संख्या कर दी गई है। जैसी के विरोध में हमने एक रैली निकाली है और आगे हम दोबारा से रैली निकालेंगे बद्रीनाथ धाम में। चारों धामों के संगठनों में एक बात हुई है, यदि सरकार अभी भी चेतती नहीं है तो हम धाम खुलने पे जो है अपनी सारी व्यवस्थाएं, अपने सारे होटल, सारे गेस्ट हाउस, सारे दुकानों की चाबी जो है मुख्यमंत्री जी को दे देंगे और वही उत्तराखंड सरकार जो है, वही मुख्यमंत्री जी जो है हमारे जो है धामों को चलाएगी। देहरादून नगर निगम में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देहरादून की मलिन बस्तियों के मालिकाना हक, नए बोर्डों में यूजर चार्ज और देहरादून शहर में खुदी सड़कों के विरोध में नगर निगम में ज्ञापन देने पहुंचे। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने नगर निगम का गेट बंद करके उन्हें रोक दिया, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता निगम का गेट तोड़कर अंदर चले गए। पुलिस ने बमुश्किल मामला संभाला। यह लोकतांत्रिक है भाई, लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का हक है। हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, शहर के लोगों की पीड़ा कहने आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। देहरादून की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, वाटर लॉगिंग राजपुर से लेकर के और जहां तक पूरे नीचे नगर निगम की सीमा है, पूरे शहर के अंदर वाटर लॉगिंग है। हम आए थे, लोगों का आक्रोश था, हम लोगों ने कहा, निवेदन किया कि हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। जब नहीं माने तो हम गेट के अंदर लोगों की तमाम जो भीड़ थी वो अंदर चली आई, उनके साथ हम भी चले आए, ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। अगर ज्ञापन पे सुनवाई नहीं करी तो आने वाले दिनों में ये बहुत छोटा प्रदर्शन था, देहरादून के अंदर विशाल प्रदर्शन होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र की बात कहने का एक हमें आजादी मिली है, लेकिन मैंने देखा है अब मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के लिए और अन्य मुद्दे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था, इसमें हमने एक तो मलिन बस्तियों के मालिकाना हक की बात कही है। इन सभी मुद्दों को लेके हम लोगों ने आज प्रदर्शन था और ज्ञापन था, लेकिन इन लोगों ने नगर निगम का गेट बंद कर दिया,
हमें क्या बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ सरकार को, तो अभी तो हमारे एक धक्के से गेट खुल गया है। अगर हमारी आपने मलिन बस्तियों वाले का हक नहीं दिया तो मुख्यमंत्री का गेट तोड़ के मुख्यमंत्री तक जाने का काम करेंगे हम लोग। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे ऐसे, और अगर हम लोकतंत्र की बात नहीं कहेंगे तो कहाँ जाएंगे। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान और कानून गो के बीच खसरे को लेकर विवाद हो गया, जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने धरने के दौरान तहसील में तालाबंदी का आह्वान किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। सुबह क्षेत्रीय विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। वहीं क्षेत्रीय विधायक और उप जिलाधिकारी जसपुर तहसीलदार क्षेत्राधिकार काशीपुर के बीच मामले के समाधान को लेकर बातचीत की गई। हमने कहा कि वो प्रभारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2018 में वो जेल जा चुका है रिश्वत के आरोप, और उसका खुला खेल यहाँ भी शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कल तक का समय दो, लेकिन प्रभारी उसे काम से आज ही अवमुक्त कर दिया है। पटवारी रहेगा वो, कानून को नहीं, एक आश्वासन उन्होंने ये दिया। दूसरा, मैंने कहा भाई जो हमारे लोगों ने शिकायत की उनके के भी पैसा लेते हैं, उसकी जांच अति शीघ्र हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई। दूसरा, मैंने जो बात रखी कि उसने तहरीर दी मेरे खिलाफ के साहब रजिस्टर फाड़ा, मैं पुलिस से भी मैंने कहा कि अगर मैंने रजिस्टर फाड़ा या मैं कहीं दोषी हूँ तो आप, मैंने कहा मेरी किसी की सिफारिश ना हो, मुझ पर कार्रवाई करें, लेकिन अपना रजिस्टर उन्होंने स्वयं फाड़ा है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं, व्यवस्था से लड़ने की हमारी सोच, व्यवस्था खराब होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, व्यवस्था सुचारू रहेगी हम मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि हर जनता के साथ है। विधायक जी ने वही बात रखी थी कि जो प्रभारी कानून को है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो जो प्रधान है कमरुद्दीन उनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है, उसमें जांच करने के बाद ही जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार संघ ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि प्रभारी कानून को जो कि पूर्व में विजिलेंस के उसमें भी ट्रैप किया गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो उसमें भी जाँच की जाएगी जल्दी हो सके, क्योंकि कल पहले ही वार्ता की जाएगी, यानी कि दोनों ही पक्ष अपने साक्ष्य देंगे, उसके उपरांत ही ये होगा। जहां तक है संभावना, मैं कल ही रिपोर्ट पूरी करूंगी। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल के अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में बीजेपी और निर्दलीय सभा दो ने जहां अपने वार्ड की अनदेखी का आरोप परिषद पर लगाया, तो वहीं कुछ सभासदों ने विकास की गति देने पर अध्यक्ष का आभार जताया। चाहूँगा कि नगर पालिका बोर्ड का गठन जिस दिन हुआ था वर्ष 2019 में, वर्ष 2021 में मैंने एक प्रस्ताव सदन में रखा था, उस प्रस्ताव के उपरांत लगातार नगर पालिका प्रशासन से मांग कर रहा था कि इस मांग को जल्दी पूरा किया जाए, किंतु जिस दिन यहाँ पर शहीद दुर्गा मल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहाँ पर जो सूचना पट स्थापित किया गया था उसमें मेरा नाम और मेरे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए थे, तो मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा कि मेरे प्रस्ताव को भी उस सूचना पट पर शामिल किया जाए, जो कि सर्वसम्मति से सभी सभासदों की सहमति से प्रस्ताव पास किया गया। आज की बोर्ड बैठक का मुख्य जो एजेंडा था, इसमें वर्ष 23-24 का बजट था और जो जिला योजना के जो प्रस्ताव जाने हैं उसके संबंध में थी, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे, मान्य पार्षद दोनों के थे और एक स्वयं सहायता समूह को यूजर चार्जेज वसूल और शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए जाने का संबंध में, उसका सहयोग लिए जाने के संबंध में, तो ये प्रस्ताव थी मुख्य। हाँ जी, मैंने अन्य कई अनेक प्रस्ताव रखे हैं, उनमें से एक प्रस्ताव था कि दुर्गा मल जी की मूर्ति के संबंध में उन्होंने पूर्व में प्रस्ताव दिए थे, तो उनका नाम भी बतौर प्रस्तावक उसमें शिलापट में दर्ज कर लिया जाए, जिसे सदन ने सहमति दी। और कोटद्वार में पॉलिथीन बेरोकटोक बिक रही है, जौनपुर से लेकर मालगोदाम, नजीबाबाद रोड, पटेल मार्ग और बाकी जगह भी पॉलिथीन कारोबारी पॉलिथीन बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर बार छापा जौनपुर में ही पड़ता है। कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने जिलाधिकारी कार्यालय में औचक छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान तहसील कार्यालय में फाइल अधूरी होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई।
और प्रदेश में शराब के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं, पर उसके बाद भी रामनगर भवानीगंज स्थित विदेशी मदिरा की दुकान में जमकर ओवर रेटिंग हो रही है। बता दें कि प्रदेश में शराब के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं, लेकिन यहां शराब पुराने रेट में ही बेचकर जमकर ग्राहकों को लूटा जा रहा है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी दुकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिससे जनता में खासा रोष है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित समारोह में शिरकत की। उन्होंने ज्योतिबा फुले को सच्चा समाजसेवी बताया, साथ ही कार्यकर्ताओं से अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। थाना श्यामपुर क्षेत्र में बीते 9 अप्रैल को गाजीवाली श्यामपुर निवासी एक मकान मालकिन की तरफ से उसकी ही किराएदार राधिका को अपने कमरे के फर्श पर लहूलुहान हालत में अचेत पड़े होने की सूचना दी गई थी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि किराएदार राधिका मृत अवस्था में पड़ी हुई है और उसका पति घटना के ही बाद से गायब बताया जा रहा है। और खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस ने राधिका के पति जगतपाल को बदायूं से गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी की गलत संगत के शक के कारण गला घोटकर हत्या कर दी। लगता है उत्तराखंड खनन और शराब के भरोसे चल रहा है, दोनों से ही सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसे में कोटद्वार के दुर्गापुरी में शराब की वैध दुकान खोलने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शराब की दुकानें खोलने को लेकर बीजेपी के दो पार्षद ही आमने सामने हो गए हैं। भरियावाला के सांकरी गांव में चल रही श्री कृष्ण धाम गौशाला में भरपेट चारा न मिलने की वजह से गायों की मौत का मामला सामने आने से हिंदूवादी संगठनों में रोष प्रकट किया है। आपको बता दें कि गौशाला में नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि को रेती क्षेत्र की लगभग 700 आवारा गाय इस समय सांकरी की गौशाला में है, लेकिन लंबे समय से नगर निगम और नगर पालिका ने गौशाला संचालक आशु अरोड़ा के साथ अनुबंध के बाद भी धनराशि का भुगतान नहीं किया, जिस कारण अब गौवंश खाने के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। गौशाला में पिछले 3 दिन के भीतर ही 9 गौवंश दम तोड़ चुके हैं। रात 7:45 बजे जब मैं यहाँ चेक करने आया तो यहाँ देखा गायों की स्थिति खराब थी। यहाँ सिर्फ वाड़ा जिनका है यहाँ पे सारी गायें जीवित थी, लेकिन अभी देख रहे हैं 3-4 गायें मर चुकी हैं। जब इनसे बात संचालन से बात हुई तो उन्होंने कहा नगर निगम जो ऋषिकेश से है मेरे को यहाँ से कोई सहायता नहीं मिल रही, ना ही चारा मिल रहा है। तो मैंने वहाँ से बात करनी चाहिए तो नगर पालिका तो वहाँ से बात करी मैंने, वहाँ के अध्यक्ष रतुड़ी जी हैं, तो रतुड़ी जी का क्या कहना है कि मेरा अनुबंध खत्म हो चुका है हमारे, या तो जिनके नगर निगम की है नगर पालिका की हैं इन गायों को यहाँ से उठा के ले जाएं, ऋषिकेश की हैं और नहीं है तो इनके लिए चारे की व्यवस्था करें। हम व्यक्तिगत लड़ाई इस जो आशु अरोड़ा है और नगर निगम के है, न कि गायों की। हम ये देख रहे हैं ये तो गाय एक साल से पैसा नहीं मिला है, लगभग 2 करोड़ रुपये मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गायें को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गायें की गोकसी करवा रहे हैं, गो रक्षा के नाम पे गायें का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गायें मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गायें आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गायें साफ करा दी हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे सर 700 के अप्रोक्स हमारे पास गायें हैं, लगभग 14-15 गायें आइसोलेशन वार्ड में बीमार हैं और कुछ 8-10 जो हैं अंडर शेड्स में होंगी। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग में अहम बैठक हुई है। परिवहन मुख्यालय में हुई इस बैठक में परिवहन मंत्री चंदन राम दास मौजूद रहे। बैठक के दौरान यात्रा को लेकर टैक्सी संचालकों से सुझाव लिए गए, साथ ही अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।